Hello everyone, welcome to Insta Classes. In today's session, we are going to discuss the question came in SSC JEE 2018 mains exam that was conducted on 29th of December 2019. So let's start with this question from surveying. क्वेश्चन में आपको बियरिंग्स दे रखी हैं, लाइन ए बी बी सी सी डी डी और ई ए की बियरिंग्स आपको दे रखी हैं, ठीक है? तो देखिए जरा, क्लोज्ड ये कंपास ट्रेवर्स है, दिस इज द क्लोज्ड कंपास ट्रेवर्स, ठीक है? तो इस क्लोज कंपास ट्रेवर्स में ए से स्टार्ट होकर के ए पर ही फिनिश हो रहा है, यहां से भी दिखाई देता है कि जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पर फिनिश कर दिया, तो ये डाटा क्लोज ट्रेवर्स जो है बनाएगा. Compute the interior angles and correct them for the observational errors. Compute the interior angles, ठीक है? And correct them for the observational errors. इसने बोल दिया है कि आप इन bearings को use करके interior angle बनाओ, ठीक है? और interior angles निकाल करके उनको आपको correct करना है for any type of error if it is there, ठीक है? Assuming the observational bearing of the line CD to be correct. आपको ये देखना है कि line CD जो है उसकी ये जो bearing है, line CD की bearing का मतलब क्या है? जब measurement किया C से D की तरफ, तो ये वाली जो बियरिंग आपको दे रखी है, यानी कि फोर बियरिंग ऑफ दिस डाटा सी डी इज व्हाट, दिस इज करेक्ट, एडजस्ट द बियरिंग ऑफ द रिमेनिंग साइड. तो पहला पार्ट हम कंप्लीट करते हैं यहां पर, ठीक है? द फर्स्ट पार्ट इज व्हाट, कंप्यूट द इंटीरियर एंगल्स एंड करेक्ट देम फॉर ऑब्जर्वेशनल बियरिंग्स, ठीक है? ऑब्जर्वेशनल एरर्स. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं आपको, कंपास ट्रेवर्स से जब जब भी क्वेश्चन आएगा डायग्राम जरूर बनाओ. तो डायग्राम कैसा बनेगा, ए बी से स्टार्ट करते हैं, तो ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ए पर नॉर्थ मान लेते हैं ये है, ठीक है? तो ए से बी की तरफ आप जब यहां पर एंगल जब बनाओगे, तो आपका जो एंगल दिया गया था वो दे रखा है 80 डिग्री 10 मिनट, ठीक है? अब यहां पर अगर आप बी पॉइंट पर चले जाएं, और बी पॉइंट पर जाने के बाद में यदि आप यहां की बियरिंग रीड करें, ठीक है? तो ध्यान देना जरा, ए से बी बी की जो फोर बियरिंग है वो 80 डिग्री 10 मिनट है, ठीक है? और इसकी बैक बियरिंग जो दे रखी है वो 259 डिग्री 0 मिनट है. इसका मतलब ये वाला एंगल आ जाएगा आपका, क्योंकि टोटल एंगल था आपका 259 डिग्री, तो माइनस 180 करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 79 डिग्री, यहां पर आपका ये वाला एंगल मिलेगा, ठीक है? एंड आफ्टर दैट बीसी की जो बियरिंग है वो यहां पर हम देखेंगे, व्हाट इज द बियरिंग ऑफ बीसी. क्वेश्चन के अंदर ये आपको बियरिंग बताया गया है 120 डिग्री है, ठीक है? तो बी से अगर सी की तरफ चले, तो आपको जो है ये एंगल जो है 120 डिग्री मेंशन है. इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 59 डिग्री, ठीक है? दिस एंगल इज 59 डिग्री एंड 40 मिनट, ठीक है? तो इस तरीके से हम यहां पर एंगल्स देखते जाएंगे. और अब जब आप सी पर हो, तो सी पर होते समय ये वाला एंगल जो है हम कैलकुलेट करेंगे. लेट्स कैलकुलेट दिस एंगल. तो दिस एंगल विल कमिंग आउट टू बी, इफ यू सी, सी से बी का मेजरमेंट 301 डिग्री 50 मिनट है, और ये एंगल टोटल आपका कहां है, नॉर्थ से जब मेजर किया होगा तो 270 में से 270 घटा दे इसमें से, तो आपको मिल जाएगा 31 डिग्री 50 मिनट, ठीक है? और उसके बाद में नेक्स्ट एंगल की तरफ चले, सी से डी की तरफ 170 डिग्री है, 170 डिग्री आपका कुछ इस तरीके से मिलेगा, दिस इज योर डी पॉइंट, और ये जो एंगल बना है दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 9 डिग्री एंड 10 मिनट, ठीक है? दिस इज 9 डिग्री एंड 10 मिनट. उसके बाद में 350 डिग्री इसका बैक बियरिंग है, ठीक है? तो यहां पर 350 डिग्री आपको बैक बियरिंग मिल भी जाएगा इफ यू टेक दिस नॉर्थ. तो डी से स्टार्ट करके नाउ वी विल प्लॉट द पॉइंट ई, ठीक है? तो डी से ई की तरफ एंगल आपको गिवन है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, डी से ई की तरफ, ठीक है? तो डी से ई पॉइंट का जो एंगल गिवन है क्वेश्चन के अंदर, दिस एंगल इज गिवन एज 230 डिग्री 10 मिनट, ठीक है? तो 230 डिग्री 10 मिनट का मतलब ये हो जाएगा, 180 माइनस कर दें इसमें से, तो दिस इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड 10 मिनट, ठीक है? तो दिस एंगल इज 50 डिग्री एंड 10 मिनट. नेक्स्ट यदि यहां पर चले ई से ए की तरफ, ठीक है? तो ई पर यदि आप नॉर्थ एक्सिस यहां पर बनाए, तो ई से ए की तरफ का जो बियरिंग आपको गिवन है, दैट इज गिवन एज 310 डिग्री 20 मिनट, ठीक है? 310 डिग्री 20 मिनट का मतलब ये क्या हो जाएगा, टोटल 360 है, उसमें से घटा देंगे आप, तो आपको मिल जाएगा दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 49 डिग्री एंड 40 मिनट, ठीक है? 49 डिग्री 40 मिनट. और ई से डी का जो बियरिंग है, ई से डी का बियरिंग वो 49 डिग्री 30 मिनट है, तो दिस एंगल इज 49 डिग्री 30 मिनट. तो इंटीरियर एंगल्स निकालने के लिए ये वाला एंगल भी हमको रीड करना पड़ेगा. अभी ई से ए का जो मेजरमेंट है वो हमने देख लिया, नाउ ए से ई का मेजरमेंट है 130 डिग्री 15 मिनट, ठीक है? तो 130 डिग्री 15 मिनट का मतलब ये एंगल हो जाएगा आपका, 90 घटा दें तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 40 डिग्री एंड 15 मिनट, ठीक है? तो दिस एंगल इज 40 डिग्री 15 मिनट. जो भी अब आपके पास में बाकी के एंगल्स जो आपको इंटीरियर रीड करने के लिए चाहिए वो यहां से रीड कर सकते हैं. तो 90 में से ये घटा दें आप, तो ये हो जाएगा आपका 9 डिग्री 50 मिनट, ठीक है?
दिस एंगल विल बी इक्वल टू वॉट 9 degree and 50 minute. ठीक है, ये दोनों एंगल्स आ चुके हैं, ये वाला एंगल आपका यहां से मिल जाएगा, दिस एंगल इज इक्वल टू 90 degree, और आपके पास में ये वाला जो एंगल है, नाउ वी विल रीड दिस एंगल. ठीक है, तो आपके पास में दिस एंगल इज व्हाट, दिस इज 9 degree 10 minute. तो ये वाला एंगल यदि रीड करना है तो टोटल 180 बनता है. तो 9 degree 10 minute और 50 degree 10 minute, यानी कि ये हो जाएगा आपका दिस इज व्हाट, दिस इज 59 degree 20 minute. ठीक है, तो 180 डिग्री में से घटा देंगे तो ये एंगल आपको मिल जाएगा. एंड दिस एंगल, इफ यू सी दिस एंगल एट डी, दिस इज कमिंग आउट टू बी 120 degree and 40 minute. ठीक है, तो देखो जरा इस जगह पर 50 डिग्री 10 मिनट था, 9 डिग्री 10 मिनट है, और ये आपका 180 डिग्री टोटल बनना चाहिए. तो आपने 180 में से इन दोनों को घटा दिया तो 120 डिग्री 40 मिनट आ गया. अब एंगल्स अगर आप रीड करें, डायग्राम जो बनाया है आपने उससे एंगल्स रीड कर लेते हैं. तो एंगल ए रीड हो जाएगा आपका, ठीक है, इंटीरियर पर जो एंगल बन रहा है वो ये है. तो 40 प्लस आपका 9 degree 50 minute, 40 डिग्री 15 मिनट और 9 डिग्री 50 मिनट को आप ऐड करें तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 50 degree 50 degree and 5 minute. एंगल बी जब आप इसी तरीके से रीड करेंगे 79 और 59 40 को जब आप ऐड करोगे तो रिजल्ट आ रहा है 138 degree 40 minute. ठीक है, एंगल सी जब आप निकालोगे इस जगह का तो ये सारे एंगल्स जब आप ऐड कर दोगे तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 131 degree. ठीक है, दिस इज 131 degree. एंड नेक्स्ट एंगल डी, एंगल डी हमने फिगर में निकाल ही लिया है, एंगल डी इज इक्वल टू 120 degree and 40 minute. एंड एंगल ई, एंगल ई इन दोनों को ऐड करने से मिलेगा तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 99 degree and 10 minute. ठीक है, ये जो सारे एंगल्स आपने अभी तक निकाले हैं इनका सम यदि करें तो दिस सम ऑफ ऑल दीज एंगल्स, दिस इज कमिंग आउट टू बी 539 degree and 35 minute. ठीक है, और ये बेसिकली कितना होना चाहिए वो हम देखते हैं कि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स इन ए क्लोज्ड ट्रेवर्स इज इक्वल टू गिवन बाय 2n-4 times ऑफ राइट एंगल्स. ठीक है, 90 डिग्री, यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स 5 है, माइनस 4 किया मल्टीप्लाइड बाय 90 किया तो रिजल्ट आपके पास में नोचिंग चवन दिस इज 540 डिग्री होना चाहिए. ठीक है, तो 540 डिग्री एंगल का समेशन होना चाहिए, लेकिन मिल कितना रहा है आपको, एंगल का समेशन जो मिल रहा है वो आपको मिल रहा है 539 degree 35 minute. तो इसका मतलब आपको ऐड करना पड़ेगा करेक्ट करने के लिए, तो दैट एडिशन शुड बी प्लस 25 minute. ठीक है, तो ये जो 25 मिनट का एडिशन है ये पांच साइड्स में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, पांच एंगल्स में. तो आप बोल देंगे कि इस एंगल को करेक्ट करने के लिए 5 मिनट ऐड कर दो, 5 मिनट ऐड कर दो, तो सब जगह आपने 5 मिनट ऐड कर दिया तो टोटल करेक्शन लग जाएगा 25 मिनट का और ये करेक्ट होकर के 540 डिग्री बन जाएगा. ठीक है, तो यहां पर एंगल ए जो आपसे पूछा गया है कि करेक्टेड वैल्यू कितनी है, आंसर हो जाएगा आपका 50 degree 10 minute. एंगल बी करेक्टेड कितना है तो दैट इज 138 degree 45 minute. एंगल सी कितना है, 131 degree 5 minute. एंगल डी कितना है, 120 degree. ठीक है, दिस इज 131 degree. दिस एंगल इज कमिंग आउट टू बी 120 degree एंड दिस इज 45 मिनट एंड दिस एंगल ई इज 99 degree and 15 मिनट. ठीक है, तो करेक्टेड वैल्यूज आपको बतानी थी इंटीरियर एंगल्स की, सो दिस विल बी द आंसर्स. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सारे इंटीरियर एंगल्स हमने निकाल लिए हैं, करेक्टेड इंटीरियर एंगल्स. नाउ वी विल सॉल्व द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. अज्यूमिंग द ऑब्जर्व्ड बियरिंग ऑफ द लाइन सी डी टू बी करेक्ट. ठीक है, जो ये आपको बियरिंग दी गई है, दिस ऑब्जर्व्ड बियरिंग इज व्हाट, दिस इज करेक्ट. ठीक है, दिस बियरिंग इज करेक्ट. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द करेक्टेड बियरिंग ऑफ द रिमेनिंग साइड. ठीक है, तो रिमेनिंग साइड की आपको करेक्टेड बियरिंग निकालनी है. ठीक है, तो इस लाइन को इस फिगर में देख लेते हैं, रिलेशनशिप देखने में जो है आसानी मिलेगी आपको कि क्या रिलेशनशिप लगेगा. सीडी की जो बियरिंग है वो करेक्ट है तो आपको जो है बाकी लाइंस की बियरिंग निकालनी है. देखो बियरिंग का मतलब क्या होता है, द एंगल मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्थ. तो ये वाला एंगल पता है, और अगर मैं नेक्स्ट लाइन की बियरिंग निकालने जाता हूँ, ठीक है ध्यान देना जरा, अगर नेक्स्ट लाइन की बियरिंग निकालना चाहता हूं तो मेरे पास में बियरिंग का मतलब होगा कि मुझे ये वाला एंगल निकालना है. साफ साफ पता चल रहा है कि जो अंदर वाला एंगल है उसमें से इस इंटीरियर एंगल को माइनस कर दें तो रिजल्ट मिल जाएगा. तो बेसिकली आपके पास में जो ये वाली बियरिंग है, डीसी वाली जो बियरिंग है, तो डीसी की बियरिंग कितनी है, यानी कि डी से सी का मेजरमेंट 350 degree 50 minute. तो 350 degree 50 minute में से अगर आप इसका इंटीरियर एंगल माइनस कर दें डी का, तो डी का इंटीरियर एंगल कितना है, 120 degree 45 minute है, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आपकी बियरिंग मिल जाएगी किसकी, आपकी बियरिंग मिल जाएगी डी की.
ठीक है, तो डी की जो करेक्ट बियरिंग आएगी वो आ रही है आपकी 230 डिग्री, 230 डिग्री 5 मिनट। ठीक है, तो 230 डिग्री 5 मिनट डी से ई की बियरिंग है, और ई से डी की अगर बियरिंग बतानी है तो डी ई की बियरिंग तो ये है, और अगर आपको ई डी की बियरिंग बताना है तो इसमें से 180 माइनस कर देंगे, तो दैट इज कमिंग आउट टू बी दिस इज 50 डिग्री एंड 5 मिनट। ठीक है, सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, अगर इस जगह पर ईडी की बियरिंग अब पता है आपको, तो ईडी की बियरिंग का मतलब है ये वाला एंगल पता है, अब आपको निकालना है ये वाला एंगल जो है आपको निकालना है, तो साफ साफ पता लग रहा है कि क्या करना पड़ेगा कि जो पिछली बियरिंग है उसमें आप एक्सटीरियर एंगल को प्लस कर दें। ठीक है, तो जो भी इसका एक्सटीरियर एंगल है उसको प्लस कर देंगे तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो करते हैं जरा, दिस बियरिंग वॉज 50 डिग्री एंड 5 मिनट, और ई पर जो एक्सटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल इतना है, एक्सटीरियर एंगल 360 में से इसको माइनस करने से मिलेगा, दैट इज कमिंग आउट टू बी 260 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, तो 260 डिग्री 45 मिनट हो जाएगा, तो दिस रिजल्ट इज कमिंग आउट टू बी 310 डिग्री। ठीक है, दिस इज 310 डिग्री एंड 50 मिनट। ठीक है, तो ये यहाँ से कैलकुलेशन कैसे रीड होगी फिगर से मैं आपको बताता चल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो जरा, 310 डिग्री 50 मिनट ई से ए की तरफ का बियरिंग है, तो उल्टा रिवर्स बियरिंग यदि आप देखें, बैक बियरिंग देखें, तो बैक बियरिंग कितनी हो जाएगी, अगर आपको बैक बियरिंग निकालना है, यानी कि बियरिंग ऑफ लाइन ए यदि आपको निकालना है, तो ए की जो बियरिंग है वो 310 डिग्री 50 मिनट में से 180 माइनस करने से आएगा। ठीक है, तो ए की जो बियरिंग है वो आ जाएगी आपकी 130 डिग्री 15 मिनट। ठीक है, तो इसमें से आप 180 माइनस कर दोगे, दिस कमिंग आउट टू बी 130 डिग्री एंड 15 मिनट। ठीक है, तो 310 डिग्री 50 मिनट था, इसमें से आपने माइनस किया, ठीक है, दिस इज कमिंग आउट टू बी 130 एंड 15 मिनट। ठीक है, दिस इज 130 डिग्री एंड 50 मिनट। ठीक है, और आपके पास में फिर से वही क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास में ये वाली बियरिंग हो, ठीक है, तो आपके पास में ये वाला एंगल पता है, हमको क्या निकालना है, हमको लाइन, इस लाइन की जो है बियरिंग निकालनी है, यानी कि ये वाला एंगल दिखाना है। साफ साफ फिगर से पता चलता है कि जो बियरिंग आपने ए की निकाली है उसमें से आप इंटीरियर एंगल एक पर माइनस कर दो, तो ये वाली बियरिंग आ जाएगी, दिस विल कम, ठीक है, दिस इज 130 डिग्री एंड 50 मिनट, उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे इंटीरियर एंगल एट ए, तो दैट इज 50 डिग्री एंड 10 मिनट, तो आपका रिजल्ट बन जाएगा यहाँ पे, दिस इज कमिंग आउट टू बी 80 डिग्री 40 मिनट। ठीक है, दिस इज 80 डिग्री 40 मिनट। यहाँ देखो जरा, अब ये वाली बियरिंग अगर आपको बतानी है, इसकी रिवर्स बियरिंग, बैक बियरिंग यदि बतानी है, ठीक है, तो बैक बियरिंग अगर ए बी लाइन की आप बताओगे, तो बी से ए की तरफ मेजरमेंट, तो ये 80 डिग्री 40 मिनट था, तो ये 80 डिग्री 40 मिनट 180 डिग्री ऐड कर देंगे, तो ये वाला जो मेजरमेंट आएगा 180 ऐड करने पर, दिस इज 260 डिग्री एंड दिस इज 40 मिनट। ठीक है, तो फिर से कहानी वही है कि नॉर्थ से जो इसका एंगल है, यानी कि जो बियरिंग है वो 260 डिग्री 40 मिनट है, आपको इस लाइन की अगर बियरिंग बतानी है, यानी कि नॉर्थ से इसकी रीडिंग बतानी है, तो क्या करना पड़ेगा, 260 डिग्री 40 मिनट में से माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे इंटीरियर एंगल एट बी, दैट इज 138 डिग्री एंड 45 मिनट, ये माइनस कर दो, तो यहां से आपको रिजल्ट मिल जाएगा, बीसी की जो बियरिंग है 121 डिग्री 55 मिनट। ठीक है, दिस इज 121 डिग्री एंड 55 मिनट। ठीक है, और अगर आपको इस लाइन की बियरिंग बतानी है, ठीक है, रिवर्स बियरिंग बतानी है, तो ये कितनी आ जाएगी, 180 ऐड करने से मिल जाएगी, तो 180 ऐड करने से निकाल देंगे। ठीक है, तो सिमिलरली इस फिगर की सारी कैलकुलेशंस हो जाएगी, एंड यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ डाटा जो टेबल फॉर्म में मैंने डाला हुआ है। ठीक है, लेट्स चेक दिस डाटा। तो फाइनली आपके पास में जो रिजल्ट आएंगे, यहाँ से स्टार्ट होकर के, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होकर के आपने ये वाली बियरिंग कैलकुलेट किया प्लस 180 करके, ठीक है, फिर आपने ये फिगर से रीड किया, ये फिगर से रीड मैंने करवाया, तो ऑल दीज बियरिंग्स विल बी कैलकुलेटेड लाइक दिस। ठीक है, एंड फाइनली जब आप मेजर करते हुए इस पॉइंट पर आ जाएंगे, तो ये आपका सिमिलरली ये इतना ही मिल जाएगा, दोनों तरफ से सेम रिजल्ट मिल रहा है, चेक आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आस्क्ड इन द क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।